पोटकी के कच्चे के इलाके रोंती में पुलिस का खतरनाक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एसएसपी तनवीर सेनो का कहना था कि घोटकी में अमरीका से तरबियत याफ्ता स्नाइपर शूटर आ चुके हैं, अब डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखिए। घोटकी में रौंती के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। डाकुओं ने अगवा का तरीकाकार बदल लिया। अब लोग बुलभर से खुद ही अगवा होने डाकुओं के पास पहुंच जाते हैं। किडनैपिंग जो है वो एक उसका ऐसा ट्रेंड आया है कि जिसमें मगवी जो है वो खुद अगवा होने के लिए आ रहे हैं। लोगों को सस्ते ट्रैक्टर, सस्ता ट्रक, सस्ती कोई गाड़ी, कोई भैंस, कोई गाय, इसकी लालच दे के वहाँ पे बुलाया जा रहा है। उधर पुलिस ने डाकुओं से मुकाबला करने के लिए अमेरिका से तरबियत याफ्ता स्नाइपर मंगा लिए। अमेरिका से ट्रेंड शुदा जो है स्नाइपर्स आए हुए हैं और इन स्नाइपर्स की क्वालिटी ये है कि ये 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक भी लोगों को हिट कर सकते हैं। एसएसपी घोट की तनवीर तनियो कहते हैं कच्चे की लड़ाई वसाइल की जंग है, जिसके पास ताकत होगी वही जंग जीतेगा। ये वसाइल की जंग है, मतलब जिसके पास वसाइल ज्यादा होंगे वही इसमें सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अब ह्यूमनली जंग तो है नहीं, तलवारों के साथ तो नहीं लड़ी जाती, ये बुनियादी तौर पर असले की जंग है। गुड्डू बैराज से सखर बैराज तक दरिया सिंध की सहेली पट्टी का इलाका डाकुओं के कंट्रोल में है। डाकुओं का सिस्टम ना तोड़ा गया तो मोटरवे M5 इंडस हाईवे और करीबी आबादियां भी मुतासिर हो सकती हैं।